हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ एनसीईआरटी क्लास 10 साइंस चैप्टर 2 क्वेश्चन नंबर 5। राइट वर्ड इक्वेशंस एंड देन बैलेंस इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस व्हेन। तो वर्ड इक्वेशंस और बैलेंस इक्वेशन बतानी है आपको डिफरेंट आपके पार्ट्स के लिए। तो ये पार्ट है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स। तो जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट करता है जिंक ग्रेन्यूल्स से प्लस जिंक ग्रेन्यूल्स, तो अब ये एसिड और मेटल का रिएक्शन है। तो इसमें क्या होता है, मेटल रिप्लेस कर देगा एसिड से हाइड्रोजन को, तो आपको क्या बनेगा, जिंक रिएक्ट कर जाएगा सल्फेट वाले पार्ट से, तो बनेगा जिंक सल्फेट। और हाइड्रोजन जो एसिड में होगी वो हमारी फ्री हो जाएगी, वो हो जाएगी हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन होती है मेटल और एसिड की। अब इसमें बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। बैलेंस इक्वेशन में सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 होगा, डाइल्यूट है एक्वस, प्लस जिंक इज ZN, तो रिएक्ट होता है तो जिंक सल्फेट ZnSO4 प्लस हाइड्रोजन जो कि गैशियस फॉर्म में होगी और ZnSO4 एक्वस फॉर्म में, और ये रिएक्शन बैलेंस है ऑटोमेटिकली। तो आपका ए पार्ट का आंसर है। नाउ बी पार्ट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रहा है मैग्नीशियम रिबन से, मैग्नीशियम अगेन मेटल और एसिड का रिएक्शन है, तो मेटल हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगा, तो यहां से मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा, मैग्नीशियम क्लोराइड क्योंकि हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी हाइड्रोजन। अब इसकी बैलेंस इक्वेशन लिखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl एक्वस प्लस मैग्नीशियम रिबन तो Mg गिव्स मैग्नीशियम क्लोराइड। अब मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2 होता है प्लस हाइड्रोजन H2 गैस, और ये एक्वस होगा सॉल्यूशन। अब बैलेंस करते हैं, मैग्नीशियम क्लोरीन यहाँ पे ट्वाइस है, टू एटम्स हैं तो यहाँ पे ट्वाइस कर देंगे, सॉरी यहाँ पे टू है तो इस साइड को हम ट्वाइस कर देते हैं, और हाइड्रोजन यहाँ पे टू एटम्स, यहाँ पर भी टू एटम्स, तो इक्वेशन बैलेंस्ड है। तो ये बी पार्ट का आंसर हो गया। नेक्स्ट सी पार्ट, सी पार्ट में है डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड विद एल्यूमिनियम पाउडर। सो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड प्लस एल्यूमिनियम, अब ये रिएक्ट कर रहे हैं तो अगेन मेटल और एसिड का रिएक्शन है, तो क्या बनेगा, एल्यूमिनियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन। अब इसकी बैलेंस इक्वेशन, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 एक्वस मीडियम में प्लस एल्यूमिनियम Al गिव्स एल्यूमिनियम सल्फेट। अब एल्यूमिनियम सल्फेट का Al और SO4, अब ये Al 2SO4 थ्राइस, ये बनता है इसका, ये है एक्वस मीडियम में प्लस हाइड्रोजन H2 गैशियस फॉर्म में। अब इसको बैलेंस करें तो एल्यूमिनियम ट्वाइस है तो इधर 2 आ जाएगा, SO4 थ्राइस तो इधर पे 3 आएगा, और हाइड्रोजन के टोटल 6 एटम्स तो यहाँ पर भी, यहाँ 2 ऑलरेडी हैं तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपकी बैलेंस इक्वेशन आ गई इसकी। अब लास्ट पार्ट डी पार्ट, डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट विद आयरन फिलिंग। डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड विद आयरन फिलिंग्स प्लस आयरन है, तो अगेन आयरन रिप्लेस कर देगा हाइड्रोजन को, क्लोराइड के साथ अपना रिएक्शन करेगा, तो ये बनता है आपका फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस हाइड्रोजन। अब बैलेंस इक्वेशन इसकी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl प्लस आयरन Fe, और ये एक्वस मीडियम में है तो रिएक्शन होके Fe
Cl2 बनता है, फेरस क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन गैस H2G, और ये अगेन एक्वस फेज में। आप बैलेंस करेंगे, Fe बैलेंस्ड है क्लोरीन के दो एटम्स तो यहाँ पे ट्वाइस, हाइड्रोजन के दो एटम्स यहाँ पर, हाइड्रोजन दो एटम्स, तो ये आपका बैलेंस इक्वेशन आ गई आपकी।